ये साउंड मस्त है, लाउड है एंड क्लियर है। बेस भी बहुत सही है। शायद साउंड क्वालिटी आईफोन की ही बेस्ट रहेगी। ये ऐसा लगा किसी बंद डब्बे या समझो बंद रूम में बज रहा हो। बेस ज्यादा लगा, साउंड भी दबी हुई सी है। ओवरऑल अच्छे लेवल की है, बट आईफोन के कंपैरिजन की नहीं। इसकी साउंड क्लियर है, लाउड है, लेकिन बेस तीनों में सबसे कम है। तो बेस्ट यहाँ साउंड के पॉइंट से आईफोन 15 है। सेकंड नंबर पर पहले मुझे वन प्लस लगा, लेकिन इसकी साउंड दबी हुई है धमक के अंदर। तो वन प्लस थर्ड नंबर पर और S24 सेकंड नंबर पर। डिस्प्ले तीनों ही फोन की बहुत अच्छी है, किसी से कोई शिकायत नहीं। फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो ओवरऑल मुझे S24 की डिस्प्ले बेस्ट लगी। यहाँ S24 एंड आईफोन की कलर एक्यूरेसी लगभग सेम है और वन प्लस के नेचुरल मोड में भी डिस्प्ले ज्यादा विविड लगी, जो किसी को ज्यादा अच्छी भी लगती है। वन प्लस की ब्राइटनेस अपडेट से पहले S24 से कम थी, लेकिन अपडेट के बाद इसकी ब्राइटनेस S24 से कभी कभी ज्यादा लगती है और कभी कम। तो ब्राइटनेस के पॉइंट से यहाँ टाई है, एप्पल ब्राइटनेस में दोनों से कम है। बड़ी डिस्प्ले पर कॉन्टेंट वॉच करना है तो वन प्लस बेस्ट है। यहाँ क्वाड HD रेजोल्यूशन है तो बड़ी डिस्प्ले पर कॉन्टेंट अच्छा ही लगेगा। रेजोल्यूशन की वजह से डिस्प्ले में वन प्लस तो नंबर वन होना चाहिए। तो टॉप पर वन प्लस, सेकेंड S24 और थर्ड पर आईफोन 15। नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट। तो यहाँ आईफोन 15 क्लियर विनर है। ये मोस्ट कंफर्टेबल फोन है यूज करने के पॉइंट से। आईफोन 14 के कंपैरिजन में यहाँ जमीन और आसमान का फर्क है। इसके स्लाइटली राउंडेड कॉर्नर एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं। S24 सेकेंड नंबर पर। मुझे S23 S24 के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल लगता था, क्योंकि वहाँ कंप्लीट फ्लैट फ्रेम नहीं था। OnePlus 12 किसी भी एंगल से कंफर्टेबल फोन नहीं है। अगर ट्रैवल में फोन यूज करना पड़े या फिर नॉर्मली किसी से कॉल पर बात करनी हो तो ये बहुत हैवी फील होगा और इरिटेटिंग भी। तो यहाँ डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आईफोन की ही बेस्ट है। सेकेंड नंबर पर S24 और थर्ड पर OnePlus 12। इनफैक्ट OnePlus डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से इन दोनों से बहुत पीछे है। यहाँ IP रेटिंग भी सिर्फ नाम की ही समझो और बैक ग्लास कोने ग्लास 5 है, जो आजकल 20,000 रुपए वाले फोन भी दे रहे हैं। डिजाइन के पॉइंट से आईफोन में यहाँ म्यूट स्विच है और OnePlus के पास अलर्ट स्लाइडर। सैमसंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं। बटन्स की क्वालिटी आईफोन की ही बेस्ट है। बटन को प्रेस करने पर ही क्लियर हो जाएगा इसकी क्वालिटी का। सेकेंड नंबर पर यहाँ OnePlus है और थर्ड नंबर पर सैमसंग। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ आईफोन 15 कुछ लोगों के लिए पीछे है, और वो है इसका टाइप सी पोर्ट। यहाँ USB 2.0 है, वही S24 एंड OnePlus 12 में 3.2 एंड 3.0 है। ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना हो तो 2.0 की डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। बाकी तो एप्पल के जो डिटेल पर फोकस होता है वो अनमैच्ड है, जैसे ये स्क्रू पर फिनिश, स्पीकर के मैश फिनिश। एक और पॉइंट, आईफोन के जो सिम ट्रे होती है वो फुल मेटल की है, जो क्वालिटी शो करती है। और यहाँ आईफोन 15 का मैट ब्लैक कलर डोप है, इसका भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं। OnePlus का ग्रीन कलर फिनिकी है और सैमसंग का ब्लैक कभी कभार ग्रे लगता है और कभी कभार ब्लैक। अभी वो पॉइंट जो आईफोन 15 सिर्फ कॉर्नर में बैठ सकता है, और वो है डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट। वैसे यही पॉइंट है जो इस आईफोन को कॉर्नर में बिठा सकता है, बाकी तो ये गद्दी पर ही बैठेगा। OnePlus एंड सैमसंग दोनों ही LTPO डिस्प्ले यूज करते हैं, लेकिन यहाँ S24 को बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि OnePlus में सारे ही एप्स हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करते। अभी याद आया कि आईफोन एक और जगह पीछे है, और वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। S24 तो आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देता है, और ये सच में बहुत अच्छा लगता है। वही OnePlus भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आईफोन में अगर टाइम एंड नोटिफिकेशन देखना है तो फोन की डिस्प्ले को ऑन ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं। फिर से अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो यहाँ एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ये रिफ्रेश रेट आईफोन की रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर रिफ्रेश रेट आईफोन की कम है तो इसके सॉफ्टवेयर की स्मूथनेस का कोई कॉम्पिटिशन नहीं। मतलब इसके जैसी स्मूथ सॉफ्टवेयर कोई दूसरा नहीं अभी तक। Xiaomi जैसी बड़ी कंपनी iOS की कॉपी करके HyperOS बेच रही है, तो समझ जाओ इसके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। नो डाउट कस्टमाइजेशन सबसे कम है, लेकिन क्वालिटी नंबर वन है। कस्टमाइजेशन एंड क्वालिटी दोनों के पॉइंट से OneUI बेस्ट है। यहाँ कुछ लोग सॉफ्टवेयर को इग्नोर करते हैं, जबकि टाइम सॉफ्टवेयर का ही चल रहा है।
हार्डवेयर का कंपटीशन कम होगा और एआई वाले सॉफ्टवेयर का कंपटीशन बढ़ने वाला है। गूगल के बाद सैमसंग यहाँ एक स्टेप आगे निकल चुका है। वैसे इस कंपैरिजन में मेरे पास पिक्सल 8 नहीं है, लेकिन अगर मुझे अपने लिए फोन बाय करना हो तो मैं पिक्सल 8 ही बाय करूंगी। वहाँ भले ही मुझे नेटवर्क के इश्यूज देखने पड़े या कभी कभी हीटिंग इश्यूज भी। यहाँ इन तीनों में वन प्लस की यूआई फ्लैगशिप लेवल की लगती ही नहीं। ऐसा लगता है जबरदस्ती एक यूआई बना दी हो बस काम चलाने के लिए। ये सिर्फ मेरा मानना है, वन प्लस वालों भड़क मत जाना, हो सकता है आपको पिक्सल यूआई चीप लगती हो। यहाँ एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एप्पल, गूगल एंड सैमसंग बेस्ट क्लास सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वन प्लस को सेटअप करो तो सेटअप करने के टाइम पे सबसे पहले बाकी ब्रांड्स की तरह परमिशन तो लेता ही है, लेकिन ये अलग अलग ऐप ओपन करने पर भी अलग से परमिशन लेता है, और अगर नहीं दी तो आप वो ऐप यूज नहीं कर सकते। चाहे भले ही इससे कोई डाटा कलेक्ट नहीं करता हो, लेकिन ये सब चीप है। जाहिर सी बात है, डाटा नहीं चाहिए होता तो ये परमिशन अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वन प्लस का सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं वन प्लस यूज करना कभी पसंद नहीं करूंगी, चाहे इसका हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो। iOS के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन क्वालिटी नंबर वन है। OS अपडेट हो या सिक्योरिटी अपडेट्स, एप्पल सभी आईफोन में सेम डे ही प्रोवाइड करता है, गूगल सेकेंड नंबर पर और सैमसंग थर्ड नंबर पर। तो अभी फोन में ज्यादा पॉइंट्स आईफोन 15 को मिले हैं और सिर्फ रिफ्रेश रेट एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वहीं वन प्लस को बेस्ट डिस्प्ले का पॉइंट मिला और सभी पॉइंट्स में ये थर्ड नंबर पर है। वहीं S24 आईफोन से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, USB टाइप सी, डिस्प्ले क्वालिटी, UI फीचर एंड कस्टमाइजेशन में आईफोन 15 से ऊपर है। अब अगर इनके प्रोसेसर्स की बात करूं तो फिर से एप्पल बायोनिक चिप मोस्ट डिपेंडेबल एंड ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ भी आईफोन मेरे लिए टॉप पर है। वहीं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 कुछ लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन वन प्लस सभी को स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यूज नहीं करने देता। फोन नॉर्मल मोड में आता है और अगर इसे परफॉर्मेंस मोड में यूज नहीं किया तो ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से भी कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसके नॉर्मल मोड एंड परफॉर्मेंस मोड के स्कोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहीं S24 का Exynos 2400 इस बार सैमसंग ने बहुत ऑप्टिमाइज किया है, जो अब सभी टेस्ट से क्लियर भी हो रहा है। नॉर्मल मोड में ये OnePlus 12 से बेटर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन OnePlus के परफॉर्मेंस मोड के सामने ये सस्टेन परफॉर्मेंस दे पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड ऐसा बोलते हैं, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड भी चेंज होते हैं, क्या पता इस बार भी हो जाए। हैप्टिक्स में आईफोन नंबर वन है, सेकंड OnePlus 12 और थर्ड S24। मेरे लिए यहाँ भी पिक्सल 8 टॉप पर है। चार्जिंग टाइम OnePlus टॉप पर है, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं, और बाकी दोनों 20 से 24 वॉट पर ही है। जितना मैंने फोन को यूज किया है उस पॉइंट से नॉर्मल मोड पर OnePlus की बैटरी लाइफ टॉप पर रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस मोड पर शायद OnePlus टॉप पर ना रहे और आईफोन 15 उस टाइम बेस्ट रहेगा। फिर भी OnePlus 12 ही ओवरऑल बैटरी चैंपियन रहेगा। यहाँ मैं एक पॉइंट जरूर मेंशन करूंगी कि अगर OnePlus का अडेप्टर यूज नहीं किया तो इसे चार्ज करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बाकी सभी फोन एक ही अडेप्टर से चार्ज होते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे इसका ही अडेप्टर यूज करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत स्लो चार्ज होता है। कैमरा के लिए मेरा पॉइंट क्लियर है कि मुझे पिक्सल 8 बेस्ट लगता है, सेकंड पर आईफोन 15 एंड S24 और OnePlus 12 लास्ट नंबर पर। लेकिन सबके प्रेफरेंस अलग होते हैं, मैंने जो भी पिक्स क्लिक किए हैं आप वो देखो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।